Manish, how are you all? Welcome back to my channel. I hope कि आप सब अच्छे हैं, ठीक है. मैं भी ठीक हूँ. तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम पेंट करने वाले हैं, वो है ये वाला पेंटिंग. क्लियर नहीं आ रहा है, पर हाँ, ये वाला पेंटिंग करेंगे हम. इसमें ये जो वेव है, वेव के अंदर एक छोटा सा ये आदमी जो है वो सर्फ बोटिंग कर रहा है, सर्फ कर रहा है. बहुत ही प्यारा पेंटिंग है ये. तो हाँ, ये पेंटिंग जो मैंने रेफरेंस ली है इस पेंटिंग के लिए, वो है हाई इन द स्काई फोटोग्राफी, जो कि एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है एक फ़ोटोग्राफर का. वो बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं वेव्स के, सर्फिंग के. स्पेशली वो जो ऊपर से ड्रोन वाला जो पेंट, मतलब ड्रोन वाला जो फोटोग्राफी होता है वैसा वाला, तो बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी है उनके. मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, आप सब देख सकते हैं. तो आज का यही पेंटिंग हम करने वाले हैं. वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के पहले हिस्से में ही मैंने सारे कलर्स की पिक्चर्स दी हुई है. मैंने जो जो भी कलर्स यूज़ किया इस पेंटिंग बनाने के लिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो कलर्स चूज़ करने के लिए. तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट कलर इज टाइटेनियम वाइट, देन कोबाल्ट ब्लू ह्यू, ब्लैक, येलो टर्कोइज एंड येलो ओकर. एंड वी नीड टू ब्रशेस. फर्स्ट हम बेस कलर करेंगे, वो हमारा फर्स्ट लेयर होगा. तो बेस कलर करने के लिए हम तीन कलर्स लेंगे, टाइटेनियम वाइट, थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू ह्यू, थोड़ा सा और थेलो टर्कोइज. इन तीनों का मिक्सचर करके हम बेस लेयर बनाएंगे. फर्स्ट लेयर सूख जाने के बाद, प्रॉपरली सूख जाने के बाद, हम सेकेंड लेयर लगाएंगे सेम कलर मिक्सचर का. अभी हम थेलो टर्कोइज एकदम स्ट्रेट ट्यूब से निकाल के एक ड्राई ब्रश लेकर स्क्रब करेंगे, मतलब घिसना है, एकदम स्कफल करना है, ठीक है. इसको ड्राई ब्रश टेक्निक कहते हैं. एकदम भी पानी यूज़ नहीं करना है, एकदम ड्राई रखना है ब्रश को, इसको ड्राई ब्रश टेक्निक कहते हैं. अभी हम जो कलर्स कर रहे हैं ये हमारा डेप्थ बनेगा, मतलब ओशन की गहराई जो है वो समझाने के लिए हम ये डार्क कलर लेकर पेंट कर रहे हैं. अभी ड्राई ब्रशिंग हो जाने के बाद एक दूसरे ब्रश लेकर उसमें थोड़ा सा पानी लेना है, एकदम थोड़ा सा, मतलब कि टच, पानी का एक बूंद वो भी टच हुआ है या नहीं ये समझ में ना आए, इस तरह से पानी लेना है, मतलब एकदम थोड़ा सा. उसको लेकर हमें यही जो ड्राई ब्रशिंग किया है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके घुमाना है. उससे क्या होगा, थोड़ा स्मूथनेस आएगा पेंटिंग में, हर्ड्स नहीं होगा, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा पेंटिंग, सॉफ्ट हो जाएगा. देखा कैसे हार्ड एजेस जो है वो सॉफ्ट होने लगा है थोड़ा थोड़ा करके. से जहाँ जहाँ भी ड्राई ब्रशिंग किए हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा करके सॉफ्ट ब्रशिंग भी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ही हार्ड लगेगा एजेस, वो डेप्थ वो फील नहीं आएगा पेंटिंग में, सॉफ्टनेस नहीं आएगा. ड्राई ब्रशिंग और सॉफ्ट ब्रशिंग के लिए आप दोनों अलग ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक ही ब्रश यूज़ किया है क्योंकि मुझे आदत सी हो गई है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप दोनों ब्रश यूज़ कर सकते हैं अलग अलग, उससे आपको आसानी होगी. अभी हम सेम ड्राई ब्रशिंग टेक्निक से ये जो वेव का हल्का वाला कोहरा, मतलब फॉग टाइप का जो होता है वो वाला पार्ट करेंगे. उसके लिए हम जो कलर्स यूज़ किए हैं वो वही बेस कलर जो यूज़ किया था वही कलर है, वही तीन कलर्स हैं, बस आपको वाइट का मात्रा थोड़ा बढ़ाना है. अभी
वाइट का मात्रा धीरे धीरे बढ़ा के ये मैंने सेकेंड लेयर बनाना शुरू किया है। अभी फर्स्ट एक लेयर बना के ये हमारा सेकेंड लेयर है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमें बस कुछ अलग कलर्स नहीं लेना है, सेम ही कलर्स लेकर बस वाइट का मात्रा बढ़ा के ये डेप्थ हमें मिल जाएगा। कोई दूसरा कलर नहीं चाहिए इसके लिए। अभी ये हमारा थर्ड लेयर चल रहा है, वही सेम टेक्निक, जस्ट वाइट बढ़ रहा है, वाइट का लेवल बढ़ा के थोड़ा थोड़ा दोनों कलर बस छोटा छोटा दो सा लेना है और बाकी वाइट ज़्यादा लेना है। बस इसी तरह से चलेगा। अभी ऐसे ही तीन चार लेयर करना है हमें, उससे डेप्थ मिलेगा, गहराई मिलेगी पेंटिंग को, 3D लगेगा, मतलब एकदम रियलिस्टिक वाला फील आएगा फिर। अभी हम मेन पार्ट पे आ गए हैं। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास डिटेलिंग ब्रश होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जो आपका मिनिमम नंबर का ब्रश होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जो कलर मिक्सचर का ड्राई ब्रशिंग किया था वही कलर लेकर हमें ये डिटेल्स बनाना है। ये हमारा वेव का जो करंट का जो डिटेल्स है वही हम बना रहे हैं, इसे फोम कहते हैं। ये बनाना देखने में बहुत ही मुश्किल लगता है पर एक्चुअली आसान है, आप भी कर सकते हैं, इजी है। बस क्या करना है आपको, आपका डिटेलिंग ब्रश लेकर कलर लेकर थोड़ा ज़्यादा वाटर लेना है। ये ड्राई ब्रशिंग नहीं है, इसमें वाटर ज़्यादा लेना है आपको। ये आपको क्या करना है, फिर जस्ट छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े लाइंस बनाने हैं, जस्ट लाइक हम जो पेड़ करते हैं, पेड़ के शाखाएं करते हैं, रूट्स करते हैं, ब्रांचेस करते हैं, सेम वही तरीके से, बस ध्यान से करना है। मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी बहुत ही फास्ट किया हुआ है, मुझे भी ये करने में बहुत टाइम लगा है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कर सकते हैं, जितना हो सके टाइम ले, कोई जल्दी नहीं है, इससे आपका पेंटिंग ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। बस आराम से छोटी छोटी लाइंस बनाइए आराम से। मुझे ये पेंटिंग बनाने में 1.5 से 2 घंटा लगा था। आप भी धीरे धीरे कीजिए, जितना टाइम लेना चाहे आराम से कीजिए, क्योंकि जितना धीरे धीरे करेंगे उतना अच्छा बनेगा। एक पेंटिंग में आप जितना लेयर्स डालेंगे, जितना धीरे धीरे उनका डिटेलिंग कर पाएंगे, उतना ही अच्छा बनेगा, रियलिस्टिक फील ज़्यादा आएगा। मैं जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो आप बेझिझक मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं मेरे कमेंट पे। आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी, उससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या आपको जानना है, क्या आपको सीखना है। वो मुझे भी बहुत हेल्प होगा, वो मैं भी उससे मोटिवेटेड रह पाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी, जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। अभी हम हमारे फाइनल लेयरिंग में बढ़ चुके हैं, ये हमारा फाइनल लेयर है। अभी हम जो कर रहे हैं वो वाइट का मिक्सचर, सेम मिक्सचर में वाइट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है हमें, बहुत ही ज़्यादा, एकदम स्ट्रेट वाइट नहीं लेना है, वाइट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे लाइंस बनाने हैं, पुराने जो लाइंस बनाए थे उसको भी थोड़ा डार्क बनाना है, थोड़ा ब्राइटन करना है। आप देख सकते हैं कि मैं सारे लाइंस को दोहरा नहीं रही हूँ, सारे लाइंस को लाइन बाय लाइन आपको नहीं करना है,
आपको क्या करना है, बस लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा करके ब्राइट करना है, बाकी ऐसे ही लाइट छोड़ देना है। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा रियलिस्टिक फील आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा बहुत बहुत बार इस वीडियो में रियलिस्टिक बोल रही हूँ, पर हाँ यही सच्चाई है। अगर आप लाइन बाय लाइन डालते रहेंगे, लाइन बाय लाइन वाइट बनाते रहेंगे, तो वो थोड़ा कार्टूनी शो जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में वाइट डालेंगे और बाकी जैसा है वैसा ही हल्का हल्का छोड़ देंगे, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो लगेगा कि वो फोम जो करंट के वजह से वो फोम जो तैयार हुआ है वो थोड़ा थोड़ा बीच में छूट छूट गया है, थोड़ा हल्का हो गया है, थोड़ा मतलब समझ पड़ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। अगर आप सब कमेंट पे मुझे बताएंगे कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं, पहले से अच्छा बुरा जो भी हो, आपको जो भी लगे ऑनेस्टी से आप मुझे कमेंट पे वो लिख सकते हैं। उससे मुझे बहुत ही हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो को और भी अच्छा करने में, बेहतर करने में। या फिर आप सजेशंस भी दे सकते हैं कि कैसे मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ एकदम से, मतलब कि मैं ही बेस्ट हूँ ये तो नहीं है ना, मैं कोई आर्ट टीचर भी नहीं हूँ, बस मैं जो टेक्निक्स मुझे आता है वही मैं शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है वही आपसे शेयर कर रही हूँ बस। अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, अगर आपको और भी वीडियोस देखना है, तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। और मेरे ये वीडियोस सब और भी सारे मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं वो आप देखिए, आप कोशिश कीजिए, वो सारे इजी है, देखने में थोड़ा हार्ड लगेगा पहले पर वो सारे इजी है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मुझसे भी बेहतर करेंगे, ट्रस्ट में। तो हाँ, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और मेरे इंस्टाग्राम का पिक्चर मैंने दे दिया है और लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे ताकि छोटे छोटे सारे अपडेट्स आपको पता चले। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्रिप्शन बटन के पास जो बेल बटन है वो भी ज़रूर दबाना, उससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको वो तुरंत पता चल जाएगा, आपके पास वो आ जाएगा। तो अभी हमारे छोटे से सर्फमैन बनाने की बारी है। ये बनाने के लिए मैंने लिया है ब्लैक कलर और थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू ह्यू और थोड़ा थेलो टर्क्विश, थोड़ा दे भी सकते हैं कोई बात नहीं, ये ब्लैक और ब्लू से ही काम चल जाएगा, कोबाल्ट ब्लू से। अगर आपके पास कोबाल्ट ब्लू नहीं हुआ तो आपके पास अगर अल्ट्रामेरिन ब्लू भी हुआ तो वो भी ठीक है, मतलब मैं जिस जगह पे ये कलर्स यूज़ कर रही हूँ कोबाल्ट ब्लू ह्यू कह के, अगर आपके पास कोबाल्ट ब्लू सिर्फ कोबाल्ट ब्लू रहेगा या फिर अल्ट्रामेरिन ब्लू रहेगा उससे भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस छोटे से सर्फमैन बनाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ब्लैक लगेगा, ब्लैक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना है यहाँ पे, और धीरे धीरे इस मैन का हमें पोस्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ही धीरे धीरे आराम से, नहीं तो पूरा का पूरा पेंटिंग खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्लैक है। मैं फिर से सेम बात कर रही हूँ, आपके पेंटिंग को बहुत ही धीरे धीरे बनाना है, कोई भी जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आप भी धीरे धीरे करेंगे तो आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे तीन चार कलर तो यूज़ हो गया, हमारा येलो कलर कहाँ गया। अभी हम इस आदमी का जो बॉडी पार्ट्स है वही येलो कलर से बनाएंगे और उसमें थोड़ा हाईलाइट डालेंगे येलो कलर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन पे, ब्लैक और ब्लू, येलो कलर ब्लैक और ब्लू। और अभी हम इसका सर्फ बोर्ड बना रहे हैं वाइट कलर का, ट्रायंगल शेप का, और थोड़ा हाईलाइट दे रहे हैं साइड पे ताकि थोड़ा ठीक से ध्यान में पता चले कि वो सर्फ बोर्ड ही है, ऐसे ही नहीं तैर रहा है, तैर रहा है वो आदमी। सॉरी फॉर माई स्लिप ऑफ टंग। अभी वाइट
लेकर थोड़ा ब्राइट बनाना है वो सॉफ्ट बोर्ड, ताकि पता चले कि ये सॉफ्ट बोर्ड ही है हमारा। ओह, मैं तो बोलना ही भूल गई, बीच में थोड़ा लगेगा कि एकदम से अचानक से कैसे ये बन गया पेंटिंग, थोड़ा बीच में चला गया, फुटेज कहाँ गया। वो एक्चुअली मेरे फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया था, इसलिए ब्लैकआउट हो गया, बंद हो गया मेरा कैमरा। पर आपको पता चल जाएगा, मतलब देखने से, कि कैसे बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट पे हमें थोड़ा ब्राइट बनाना है वेब्स को, थोड़ा फोम को और भी थोड़ा ब्राइट बनाना है। बस हो गया आपका लिटिल मैन तैयार सर्फिंग बोर्ड के साथ। तो हमारा पेंटिंग बनके तैयार है और कुछ ऐसा दिखेगा हमारा पेंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मैं धीरे धीरे और भी अच्छी करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत 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 ही मायने रखते हैं मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं और भी प्यारे प्यारे पेंटिंग्स बना सकूं। सो या, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे, मैं सभी जगह पे एक ही नाम पे बिलोंग करती हूँ, मेम्स आर्ट गैलरी। सो यू कैन फॉलो मी देयर और आप मेरे जो पेंटिंग्स हैं ये सारे ट्राई कर सकते हैं खुद इफ़ यू लाइक, एंड टैग कर सकते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, ताकि मैं देख सकूँ आपके प्यारे प्यारे क्रिएशंस। एंड या, सो अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो यू कैन डू दैट टू, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग एंड नेवर गिव अप। ओके, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।